नमस्कार, आप देख रहे हैं दो कदम। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बात कर लेते हैं बुलेटिन में। सबसे पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव की काउंटिंग लगातार चल रही है। 224 सीटों के लिए हुए वोटिंग के बाद आज काउंटिंग चल रही है। कांग्रेस जीत की ओर आगे बढ़ रही है। रुझान धीरे धीरे नतीजों में कन्वर्ट होते नजर आ रहे हैं। तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है और कर्नाटक में कांग्रेस 133 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं बीजेपी सिमटती हुई नजर आ रही है। तो रुझान धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। 133 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है और बीजेपी की जीत का ग्राफ लगातार नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो जश्न की ये दो तस्वीरें आपके सामने, शंख बजाकर, मिठाई खिलाकर, नाचकर गाकर यहां जीत का जश्न मनाते कांग्रेस पार्टी के समर्थक, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। तो बीजेपी लगातार सिमटती जा रही है, कांग्रेस की जीत का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 134 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाई हुए है और 65 पर सिमटती हुई बीजेपी नजर आ रही है। तो तस्वीर पूरी तरीके से अब मानकर चलिए साफ हो चुकी है कर्नाटक विधानसभा चुनाव की। हालांकि काउंटिंग अभी चल रही है, लेकिन 2 बजे का वक्त हो चुका है और ये जो रुझान है अब नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। 134 पर भी कांग्रेस और 65 पर है बीजेपी। तो कुल मिलाकर ये है कि कार्यकर्ता, कुल मिलाकर ये कि समर्थक अब पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट अपनी जीत को लेकर, पार्टी की जीत को लेकर। और ये तस्वीरें दो, पहले तस्वीर में आप देख पाएंगे समर्थक काफी उत्साहित हैं और दूसरी तस्वीर में आप देख पाएंगे डीके शिव कुमार को, डीके समर्थकों का आभार जताते हुए, जनता का शुक्रिया अदा करते हुए इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। गांधी फैमिली एट द कांग्रेस पार्टी इन द एंटायर। तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। 133 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चल रही है आगे और ये जश्न की तस्वीरें, नाचकर गाकर, शंख बजाकर, मिठाइयां खिलाकर, आतिशबाजी करके कांग्रेस पार्टी के समर्थक जीत का जश्न मना रहे हैं। और रुझान अब मानकर चलिए कि नतीजों में कन्वर्ट हो चुके हैं, 2 बज चुके हैं और तस्वीर पूरी तरीके से अब साफ होती हुई नजर आ रही है। तो जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि अब मुख्यमंत्री का चेहरा कर्नाटक में कौन होगा? क्या डीके शिव कुमार होंगे या सिद्धरमैया होंगे? बहरहाल वो जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये जश्न की तस्वीरें आपके सामने।